वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट 11th चैप्टर इन योर हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री पार्ट टू बुक. एंड द नेम ऑफ योर चैप्टर इज द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947. 1870 से लेकर 1947 में क्या हुआ था, भारत आज़ाद हो गया था. ठीक है, तो 1870s में जो हमारा आज़ादी का जो संघर्ष शुरू हुआ था और कब तक चला था, जब तक फाइनली हम फ्री नहीं हो गए थे, यानी कि 1947 तक. ठीक है, तो इसके बीच में जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं थी वो सब इस चैप्टर में जो है हम ब्रीफली स्टडी करेंगे. ठीक है, जो जो हमारी आज़ादी से रिलेटेड जो जो हमारे इम्पोर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स हैं उन सभी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे. सो ओपन योर SST हिस्ट्री बुक पेज नंबर 141. दिस इज योर चैप्टर. द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म से स्टार्ट करेंगे 142 पेज पे. शुरुआत कहाँ से हुई इसको देख लेते हैं हम. नेशनलिज्म यानी कि एक जो राष्ट्रीयता की जो भावना थी लोगों के अंदर, अपने देश को आज़ाद कराने की जो फीलिंग थी, उसके शुरुआत कहाँ से हुई थी. 1857 के रिवोल्ट के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है आपको किस तरीके से रिवोल्ट हुआ था, क्यों हुआ था और क्या क्या उसके आउटकम्स थे. ठीक है, द अबव मेंशन डेवलपमेंट है लेड टू पीपल आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंट्री ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर हुम इट इज़ मेड. The answer had that gradually emerged was India was the people of India, all the people irrespective of class, color, caste, creed, language or gender. देखो basically ये क्या कह रही है कि लोगों के मन में एक सवाल आया कि भारत है किसका. भारत उन सभी लोगों का है चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी क्रीड की यानी कि किसी भी नस्ल से बिलोंग करते हैं, अमीर है, गरीब है, गोरे हैं, काले हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उन सबको, उन सब से जो है भारत बिलोंग करता है, यानी कि उन सब लोगों के लिए भारत है. ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत किन लोगों का है. भारत सभी लोग, इन सभी लोगों का है. ठीक है, एंड द कंट्री इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम आर वर मिंट फॉर ऑल ऑफ देम. जो हमारा भारत देश है इसमें जो भी रिसोर्सेज हैं उन सब पे सभी भारतवासियों का अधिकार है. विद दिस आंसर केम द अवेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द लाइफ ऑफ द पीपल एंड अनटिल दिस कंट्रोल वॉज एंडेड इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियन. देखो जैसे जैसे लोगों के मन में ये अपने देश के प्रति मतलब एक होने के कि देश तो हमारा है, ये जब फीलिंग लोगों के अंदर आने लगती है तो वो ये जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो हमारे, जो रिसोर्सेज हमारे हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे खेत हैं, चाहे वो हमारे गोदाम हैं, चाहे वो खदानें हैं कोयले की, ये सब चीज़ें तो हम लोगों की है क्योंकि हम हैं भारत के नागरिक. तो ब्रिटिशर्स तो जो है बाहर से आके हमारे ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हम तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक हम ब्रिटिशर्स को अपने देश से निकाल नहीं देते. ठीक है, तो जैसे जैसे लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगती है वैसे वैसे नेशनलिज्म का जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ने लगता है. दिस कंसाइसनेस बिगेन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म्ड आफ्टर 1850, स्पेशली दोज दैट केम इनटू बीइंग इन द 1870s एंड 1880s. अब ये सारी चीज़ें ज़्यादा कौन लेके आता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो लोगों को अवेयर करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, बड़े बड़े लीडर्स का काम क्या होता है, वो लोगों को आज़ादी का मतलब बताते हैं. ब्रिटिशर्स किस तरीके से हमें गुलाम बना के हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हमें क्यों अपने कंट्री में उन्हें नहीं रहने देना चाहिए, ये सब लीडर्स, बड़े बड़े जो लीडर्स थे उस समय के, उन्होंने ही लोगों को बताया. ठीक है, स्पेशली जो 1850 से लेके 1870s के बीच के 1880s के बीच में जो लीडर्स हुए, मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफकोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये सारे कुछ संगठन हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसके अलावा ये जो भी नाम दिए गए हैं इन सब ने काम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियंस को, भारतीयों को जो है एक तरीके से जागृत करने में, उनके अंदर नेशनलिज्म की एक फीलिंग लाने में. ठीक है, जगह जगह जाके ये मीटिंग्स करते थे, लोगों को अवेयर करते थे. ठीक है, लोगों को अंदर जो है ये फीलिंग डालते थे नेशनलिज्म की कि किस क्यों हमें अपने देश को आज़ाद कराना ब्रिटिशर्स से ज़रूरी है. नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा.
द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ द फॉर ऑल द पीपल. देखो सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, जो सभी लोगों के लिए हो. ठीक है, सार्वजनिक का मतलब ऐसी जगह जो सभी लोगों के लिए हो. सार्वजनिक यानी कि सभी लोगों के लिए. द मेनी ऑफ दिस एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कंट्री. देयर गोल वर स्टेटेड एज द गोल्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट दोज ऑफ एनी रीजन, कम्युनिटी और क्लास. दे वर्क विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सोवरेन, अ मॉडर्न कंसाइसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म. इन अदर वर्ड दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स. देखो चाहे ये संगठन, देखो कोई भी पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो शुरू तो एक जगह से होती है, मान लो एक राज्य से शुरू हुई, लेकिन वो काम तो पूरे देश के लिए कर रही थी. ठीक है, अब चाहे उसकी स्थापना किसी भी राज्य में हुई हो, किसी भी शहर में हुई हो, लेकिन ये सारी जो पार्टीज थी, ये जो अलग अलग संस्थाएँ थी, ये एक ही भावना के साथ काम कर रही थी कि हमें पूरे देश के अंदर जो है चेतना लेके आनी है, हमें पूरे देश को अवेयर करना है, ना कि सिर्फ उस रीजन को जहाँ पे उस पार्टी की शुरुआत हुई थी. ठीक है, इनका मेन काम क्या था, सोवरेन बनाना अपनी कंट्री को. सोवरेन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मीनिंग दिया है द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस. सोवरेन का मतलब होता है हम अपने आप अपने देश को चलाने के काबिल हैं, हमें किसी भी आउटसाइडर की जरूरत नहीं है. आउटसाइडर कौन थे, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स थे ना आउटसाइडर. तो सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हम इतने केपेबल हैं कि हम अपने आप अपने देश को, अपनी सरकार को चला सकते हैं और हमें किसी भी आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं है. इस फीलिंग को लोगों के अंदर डाला जाता है, लोगों को बताया जाता है कि हाँ हम लोग जो है आज़ाद रहने के लायक हैं, हम अपनी सरकार को, अपने देश को खुद अपने आप चला सकते हैं. ठीक है, द डिससेटिस्फैक्शन विद द ब्रिटिश रूल इंटेंसीफाइड इन द 1870s एंड 1880s. द आर्म्स एक्ट वॉज पास इन 1878 डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स. देखो धीरे धीरे जैसे जैसे ये ये जो नेशनलिज्म का मूवमेंट था ये आगे बढ़ रहा था, लोगों के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतोष की भावना जागती है ब्रिटिशर्स के खिलाफ. ठीक है, कि वो ब्रिटिशर्स के कामकाज से, उनके रूल से खुश नहीं थे. अब जब ये आर्म्ड एक्ट पास होता है, आर्म्स एक्ट क्या होता है, जहाँ पे भारतीयों के ऊपर प्रतिबंध लगाया था कि वो किसी भी तरीके का कोई हथियार नहीं रख सकते हैं. ठीक है, तो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं. इन द सेम ईयर द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वॉज ऑल्सो एनेक्टेड इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. इसी तरीके से जो है प्रेस जानते हो क्या होती है, जो अखबार छापती है, मैगजीन छापती है, ठीक है, या कुछ भी ऐसी बुक्स छापती है जो कि सरकार के काम की. सरकार कौन थी उस समय, ब्रिटिशर्स की थी, तो उनके काम की जो भी आलोचना करता था तो उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार जो है प्रतिबंध लगाती थी. ठीक है, तो लोग इस बात से भी ना खुश थे कि प्रेस के ऊपर, अगर प्रेस, देखो अखबार में अगर सही खबरें नहीं छपेंगी, देश में जो कुछ हो रहा है वो नहीं पता चलेगा लोगों को, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि क्या गलत हो रहा है. ठीक है, अगर सरकार अंकुश लगाएगी कि जो भी सरकार गलत कर रही है वो अखबार में पब्लिश ही ना हो, टीवी में दिखाया ना जाए, तो फिर क्या होगा, लोग जान ही नहीं पाएंगे जो भी गलत सरकार काम कर रही है. तो ब्रिटिश यही चाहते थे कि किसी को भी ये ना पता चले, कोई भी हमें क्रिटिसाइज़ ना करे, कोई भी हमारी जो है आलोचना ना करे हमारे सरकार की, हमारे कामकाज की. इन 1883 देयर वॉज अ फरर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल. द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियन एंड सॉट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री. बट व्हेन वाइट अपोजिशन फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द बिल, इंडियंस वर एनरेज्ड. देखो एक बार क्या होता है, ब्रिटिशर्स एक कानून लेके आते हैं कि कोई भी यूरोपियन या कोई भी ब्रिटिशर्स अगर कोई गलती करता है, यानी कि अगर कोई कानून को तोड़ता है, तो भारतीय जज जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं. लेकिन अंग्रेज जो है इसका विरोध करते हैं. अब जब विरोध करते हैं तो भारतीयों को गुस्सा आता है कि जब हमारे ऊपर तुम जो है अंकुश लगा सकते हो, हमारे लिए कानून बना सकते हो, तो भारतीय तुम्हें क्यों नहीं जज कर सकता. अगर मान लो कोई यूरोपियन भारत में आके भ्रष्टाचार करता है, ठीक है, तो कोई भारतीय जज उसको सज़ा क्यों नहीं दे सकता. ठीक है, तो ब्रिटिश लोग थे जो इसका विरोध करने लगते हैं कि नहीं हमें सज़ा कोई इंडियन नहीं देगा, तो इससे लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है. द इवेंट हाईलाइटेड इन द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया. रेशियल एटीट्यूड क्या होते हैं, कि नस्ल से संबंधित जो उनका एटीट्यूड था कि वो इन्फीरियर मानते थे ब्रिटिशर्स को. ज़्यादा क्या था कि हम गोरे हैं, हम ज़्यादा सुपीरियर हैं. जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पे भी यही मूवमेंट चला था. ठीक है, कि वहाँ के जो काले थे, जिन जो मतलब डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन के जो लोग थे, उनके साथ इल ट्रीटमेंट करते थे कौन, वाइट्स. वाइट्स कौन होते थे, यूरोपियन. ठीक है, भारत में भी उनका यही एटीट्यूड था. तो इस रेशियल एटीट्यूड के खिलाफ लोग जो है आवाज़ उठाने लगते हैं. द नीड फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडुकेशन इंडियंस एंड हैड फेल्ट सिंस 1880, बट द
इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डीपन्ड दैट डिजायर. The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. देखो Indian National Congress की स्थापना कब होती है, जब 72 delegates अलग country के अलग अलग भाग से आके Bombay में इकट्ठे होते हैं December 1885 में. The early leadership दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू सी बोनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यन अय्यर अमंग अदर्स वॉज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकटा. नारोजी अ बिजनेसमैन एंड पब्लिसिस्ट सेटल्ड इन लंडन एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट. द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल ए ओ होमे हु प्लेड अ पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम द वेरियस रीजन्स टुगेदर. देखो एक और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनका नाम था ए ओ होमे. इन्होंने कंट्री के अलग अलग भाग से लोगों को इकट्ठा किया था और एकजुट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था. ठीक है. अ नेशन इन द मेकिंग है. देखो अब ये सारी जब घटनाएं होती हैं, ये सारी घटनाएं क्या थी, भारतीयों को और ज़्यादा जो है एक तरीके से नेशनलिज्म की ओर लेके जा रही थी. जो जो ब्रिटिशर्स अत्याचार करते हैं, देखो जब एक लेवल तक तो लोग सहन करते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, लोग जो है उसको रेसिस्ट करने लगते हैं, लोग जो है उसका विरोध करने लगते हैं. जिस तरीके से हमने 1857 के रिवोल्ट में देखा था कि कुछ समय तक तो जो भारतीय सिपाही हैं उस चीज़ को एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब एक बार एक लेवल से ऊपर चली जाती है कोई चीज़ तो लोग उसको विरोध करने लगते हैं. तो जब ये चीज़ें बढ़ती जाती है, जब भारतीयों को लगता है कि हमारे खिलाफ़ ही ब्रिटिशर्स हर काम करते जा रहे हैं, तो क्या होता है, लोग एकजुट होने लगते हैं. हिंदू मुसलमान अमीर गरीब हर कोई जो है एक साथ मिलकर अपनी कंट्री को सोवरेन बनाने के लिए, फ्री कराने के लिए एक साथ मिलकर आता है, काम करता है. तो इससे क्या होता है, जो है कंट्री इन मेकिंग का मतलब होता है, एक नेशन इन मेकिंग का मतलब है कि एक भारत के निर्माण होने की ओर हम कदम आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. एक भारत, कौन सा भारत, जो आज़ाद हो. ठीक है. जिसको हम अपने आप सोवरेनिटी से यानी कि खुद अपने बलबूते पे जिस पे हम रूल कर सकते हैं, ऐसे भारत के निर्माण की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे. ठीक है. फ्रीडम इज बर्थ राइट आर बर्थ राइट, ये किसने कहा था, फ्रीडम हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. सुनिए ये कोट, फ्रीडम इज़ आर बर्थ राइट, जो फ्रीडम है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. ये बात किसने कही थी, नहीं याद. बाय द 1890s मैनी इंडियन बिगेन टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस इन बंगाल महाराष्ट्र एंड पंजाब. लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. देखो लाल बाल पाल के नाम से हम जानते हैं इनको, लाल बाल पाल के नाम से किसको जानते हैं हम, इन तीनों लीडर्स को, जिनका नाम क्या क्या है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय. ठीक है. इन तीनों ही लीडर्स को हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं. इनके कुछ अपने अलग रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ मतलब इनके अलग अलग हटके कांग्रेस से ये सोचते थे. ठीक है. दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिकल प्रेयर्स एंड एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क. ये किस चीज़ पर बिलीव करते थे, आत्मनिर्भर बनने पे. ठीक है. सेल्फ कंस्ट्रक्शन पे, यानी कि खुद आत्मनिर्माण करने पे ये जो है ज़्यादा जोर देते थे. दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाय ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट. ये कहते थे कि हम लोगों को जो है अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, ना कि सरकार की अच्छी जो उनकी गुड इंटेंशंस हैं, यानी कि सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहो, अपने ऊपर यानी कि स्वाभिमानी आत्म जो है अपने ऊपर डिपेंडेंट रहो, सेल्फ रिलायंट रहो. पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, इनका कहना था कि लोगों को सबसे पहले स्वराज, स्वराज मतलब स्वराज मतलब अपना राज्य. ठीक है. जहाँ पे हम अपने राज्य को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी गवर्नेंस हम खुद देख रहे हैं, इसको हासिल करना चाहिए. तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. ठीक है. तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने क्या कोट किया था कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वतंत्रता आज़ादी मेरा जो है बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा. ये कोट किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने. इन 1905 वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल. देखो 1905 में क्या होता है, बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है.
एट द टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा. देखो उस समय जो बंगाल था वो ब्रिटिश की सबसे बड़ी प्रोविंस था, यानी कि सबसे बड़ा राज्य था, जिसमें कुछ हिस्सा बिहार का भी था और कुछ हिस्सा उड़ीसा का भी था. बंगाल में इसके बॉर्डर्स लगते हैं उड़ीसा और बिहार से, बंगाल के पश्चिम बंगाल जिसको आज हम बोलते हैं, ठीक है. बट वट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन्स, हु कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट? क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेस वुमेन. देखो अभी ब्रिटिश क्या आर्ग्यू करते हैं कि ये बहुत बड़ा राज्य है और इसको जो है एडमिनिस्टर करने के लिए हमें इसको जो है इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है, कि बहुत बड़ा राज्य है, इसको एडमिनिस्टर करने में, इसका सरकार चलाने में हमें दिक्कत होती है, तो हम इसको जो है अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहते हैं. लेकिन असलियत क्या थी, वो हिंदुओं और मुसलमानों को बांटना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि इनकी पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, डिवाइड करते थे और रूल करते थे. लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहाना ये दिया कि ये राज्य जो है बहुत बड़ा है तो इसको गवर्न करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना मुश्किल है, तो हम इसलिए बंगाल के टुकड़े करना चाहते हैं. इवन सो इंटेंडेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इट विद द असम. ईस्ट बंगाल को अलग करते हैं और असम के साथ मर्ज कर देते हैं. Perhaps the main British motive were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. इनका main motive क्या था कि बंगाली लोगों को अलग कर दो, ठीक है, और जो बंगाली politicians हैं इनको अलग कर दो, ठीक है, क्योंकि जब बंगाली अलग हो जाएगा तो जो बंगाली जो leaders थे, politicians थे, ठीक है, वो भी पीछे हट जाएंगे क्योंकि उनको भी अलग कर दिया जाएगा. द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया. अब जब बंगाल का पार्टीशन होता है उससे पूरे भारत में लोग जो है विरोध करने लगते हैं कि ये तो हमारे देश के भी टुकड़े करने लग गए हैं. ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड अपोज्ड इट लार्ज पीपल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट. अब इसके बाद क्या होता है, देखो जैसे ही बंगाल के ये लोग टुकड़े कर देते हैं, ब्रिटिशर्स इसको डिवाइड कर देते हैं, पूरे देश में विरोध होने लगता है, ठीक है, जगह जगह प्रदर्शन होने लगते हैं इस तरीके के, देखो, ठीक है, जगह जगह लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है किसकी शुरुआत होती है, अभी तो पढ़ा हमने, स्वदेशी मूवमेंट की, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है. स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विथ इकोज एवरी एल्सवेयर टू इन डेल्टिक आंध्रा फॉर इंस्टेंस इट इज़ नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट, ठीक है, अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि डेल्टिक आंध्रा में इसको जो है वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना जाता है. एक तरीके से ये समझ लो कि स्वदेशी मूवमेंट जो है एक शुरुआत थी जहाँ पे लोग एकजुट होने लगते हैं पूरे देश से, ठीक है, कि हम अपने देश के और टुकड़े अंग्रेजों को नहीं करने देंगे और हम अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है. द ग्रोथ ऑफ, ये हो गया स्वदेशी मूवमेंट, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, पूरे मास नेशनलिज्म का मतलब पूरे देश में एक राष्ट्रीयता की भावना थी, वो किस तरीके से विकसित होती है वो देखते हैं. आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीजेंट्स, ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड वेमेन इन लार्ज नंबर्स एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल. अब देखो जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ता है महिलाएं भी इसमें भाग लेने लगती हैं, जो मजदूर वर्ग होता है, ठीक है, जो कम पुअर लोग होते हैं वो भी इसमें भाग लेने लगते हैं, नेता और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं वो तो इसमें पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर ही रहे थे. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया. इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बेनिफिट्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स, इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाइज लेड टू अ शार्प राइज इन प्राइसेस विच क्रिएटेड ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल. ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर. एज यू हैव सीन इन चैप्टर 7 द वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स जूट बैग्स क्लोथ रेल्स एंड कॉज्ड अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इन टू इंडिया. सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट. देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसके बाद क्या होता है, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होते हैं उसको बढ़ाने लगते हैं. देखो जब वॉर होता है तो उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है क्योंकि नुकसान होता है. वॉर में क्या होता है, हथियार सप्लाई करने पड़ते हैं, सैनिक भेजने पड़ते हैं, सैनिकों का खाना अरेंज करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे इकोनॉमी में जो है प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, चीज़ कीमतें जो है महंगी होने लगती है, इंडस्ट्रियल गुड्स तो बढ़ने लगता है, विदेशों में एक्सपोर्ट जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो प्रॉफिट कमाने लगते हैं क्योंकि जूट है,
क्लोथ है, रेल है, इन सब की डिमांड तो बढ़ने लगती है, लेकिन जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं उनके जो कॉस्ट है, उनके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने लगते हैं। द वॉर ऑल्सो लेट द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी विलेजेस एवर परसुएडेड टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन अलाइन कॉज। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रॉड। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो अपनी मिलिट्री फोर्सेस को बढ़ाने लगते हैं ब्रिटिशर्स, और बहुत सारे भारतीय सैनिकों को विदेश भी भेजने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर होता है। वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, सैनिकों की ज़रूरत होती है उनको, तो भारतीय लोगों को यानी कि भारतीय सैनिकों को वो विदेश में भी लेके जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रॉड, मेनी रिटर्न आफ्टर द वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज ऑफ विच imperialist powers were exploiting the people of Asia and Africa and with desire to oppose colonial rule in India. अब देखो जब ये सैनिक भारत में वापस आते हैं तो इनको पता चलता है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियन हैं, ये भारतीयों को, एशिया के लोगों को जो है किस तरीके से उनको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो उनके अंदर भी जब वो सैनिक भारत में वापस आते हैं तो उनके अंदर भी एक फीलिंग आती है कि नहीं, अब हमें इस कॉलोनियल रूल को यानी कि उपनिवेशवाद को, ब्रिटिश जो सरकार है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में, द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने तो की रोल प्ले किया ही था देश को आज़ाद कराने में, सबसे इम्पोर्टेंट रोल महात्मा गांधी का ही था। इट इज़ दीज सर्कमस्टांसिस दैट महात्मा गांधी अमर्ज अ मास लीडर। अब ये सारी जो घटनाएं हो रही थी इसी की वजह से महात्मा गांधी एक बहुत बड़े लीडर बन के उभरते हैं। एज यू मे नो, गांधी जी एजेड 46 अराइव्ड इन इंडिया। देखो 1915 में 46 की एज में महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्योंकि देखो ये अपनी लॉ की स्टडी करते हैं, उसके बाद ही साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका में भी जो काले गोरों के बीच में जो भेद था उसके खिलाफ ये वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, और जब ये 46 की एज में होते हैं वहाँ पे, तो ये भारत वापस आते हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए, एक नेशनलिज्म मूवमेंट के लिए। Having led Indians in that country in non-violent marches against racial restrictions, he was already a respected leader known internationally. देखो वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया था, जो भारतीय थे जिनको स्किन कलर के बेसिस पे डिफरेंस किया जाता था गोरे काले की वजह से, जो यूरोपियन थे वो साउथ अफ्रीका में क्या करते थे, जो भी जिनका स्किन क्लियर ब्लैक होता था या जो भी इंडियंस वहाँ पे रह रहे होते थे उनको इन्फीरियर समझते थे, ठीक है। वहाँ पे हर एक चीज़ अलग अलग बनाई जाती थी, गोरों के लिए अलग सिनेमा हॉल भी अलग, कालों के लिए अलग, ठीक है, या जिनका स्किन केयर कलर जो है फेयर नहीं होता उनके लिए हर चीज़ अलग की जाती थी। वहाँ पे भी महात्मा गांधी ने जो है भारतीय लोगों के साथ और जो भी ब्लैक लोग थे उनके साथ मिलके जो है जो भी ये अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ऑलरेडी महात्मा गांधी जो है एक इंटरनेशनल लीडर बन चुके थे उस समय तक, ठीक है। His South African campaign had brought him in contact with various types of Indians, Hindu, Muslims, Parsis and Christians, Gujaratis, Tamils and North Indians and upper class merchants, lawyers and workers. देखो जब ये इस तरीके का मूवमेंट चला रहे थे तो ये बहुत अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम, बड़े बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, इन सब लोगों से ही मिलते हैं। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री अंडरस्टैंडिंग द पीपल देयर नीड्स एंड ओवरऑल सिचुएशन। जब वो भारत आते हैं तो एक साल तक वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की इच्छाओं को समझते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशंस वर इन लोकल मूवमेंट्स इन चंपारण। सबसे शुरू में वो क्या करते हैं, चंपारण में जो है एक आंदोलन चलाते हैं, खेड़ा एंड अहमदाबाद, वेयर ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल, जहाँ पे वो इन दोनों लोगों से मिलते हैं। इन अहमदाबाद ही लेड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर्स स्ट्राइक इन 1918। 1918 में एक काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्राइक करते हैं ये मिल वर्कर्स के साथ मिलके। लेट अस नाउ फोकस ऑन सम डिटेल्स ऑन द मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 1919 to 1922। रॉल्ट सत्याग्रह, सबसे पहले हम रॉल्ट सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉल्ट एक्ट दैट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास। सबसे पहले जो है महात्मा गांधी रॉल्ट एक्ट के खिलाफ जो ब्रिटिशर्स ने लागू किया था उसके खिलाफ लोगों से सत्याग्रह की अपील करते हैं। दैट कर्व्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स। अभी रॉल्ट एक्ट था, इसने क्या करा था, भारतीयों की स्वतंत्रता को कम कर दिया था, ठीक है, और जो पुलिस की स्ट्रेंथ थी, पुलिस की जो पावर थी उसको ज़्यादा मजबूत कर दिया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम। अब महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और जो दूसरे लीडर्स थे उनका क्या मानना था कि सरकार के पास, ब्रिटिशर्स के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे वो लोगों की स्वतंत्रता को छीन सकें। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविलिश एंड टायरेनिकल। गांधी जी आज द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंस
अपोजिशन टू दिस एक्ट एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर्स एंड हड़ताल स्ट्राइक सत्याग्रह सभा सुबह सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट. देखो 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी कहते हैं कि सभी जगह पे जो है हम नॉन वायलेंट तरीके से अहिंसक ढंग से जो है प्रदर्शन करेंगे और इस एक्ट का विरोध करेंगे. द रॉल्ट सत्याग्रह टर्नड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्दो इट वॉज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज. देखो रॉल्ट सत्याग्रह जो है पहला आज़ादी का वो मूवमेंट था, हालांकि ये ज़्यादा शहरों में हुआ, गांव में या छोटे देहातों में ऐसी जगह पे नहीं हुआ, शहरों में ही ज़्यादा हुआ. इन अप्रैल 1919 देयर वर अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल इन द कंट्री एंड द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम. द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे वर अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन. अब आपको पता है जलियांवाला हत्याकांड भी इसी दौरान हुआ था, जहाँ पे लोग रॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे क्या था, जनरल डायर ने लोगों के ऊपर गोलियाँ चलवा दी थी, उस ग्राउंड के सारे गेट बंद करवा के ताकि लोग बाहर ना निकल सके, और हज़ारों लोगों के ऊपर जो है गोलियाँ चला दी थी. और गोलियाँ कब तक चली थी, जब तक कि सैनिकों की गोलियाँ ख़त्म नहीं हो गई थी, हज़ारों लोग मर गए थे उसमें. ठीक है. On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by denouncing his knighthood. अब इस जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये अपने इनको जो है नाइटहुड की उपाधि दी थी ब्रिटिशर्स ने, ये अपने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिशर्स को वापस कर देते हैं. ठीक है. इस इंसिडेंस के बाद During the Rolt Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against British rule. अब रॉल्ट सत्याग्रह के दौरान लोगों को ये पता चला था कि हिंदुओं को और मुसलमानों को इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, तभी जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं. This was also a call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country. Indian Hindu, Muslim and those of other religion, he was keen that Hindus and Muslims support each other in any just cause. देखो महात्मा गांधी क्या कहते थे, क्या समझाते थे लोगों को, कि हिंदुओं को, मुसलमानों को और जो भी अदर रिलीजन के जो लोग हैं, सबको मिलके जो है एक साथ आना होगा, उसके बाद ही हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं. अच्छा, अब इसके बाद है खिलाफत एजिटेशन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, कि महात्मा गांधी ने लोगों को कहा था कि देखो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर क्यों रूल कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उनको कोऑपरेट करते हैं. देखो जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो जो लोकल राजा महाराजा थे, नवाब थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने यहाँ पे उनको फैक्ट्री बनाने दी, उनको यहाँ पर जो है धीरे धीरे अपना बिजनेस फैलाने को दिया. तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो है ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल होते गए. तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये अपने आप भारत छोड़ के चले जाएंगे. अगर देखो जो पुलिस में है वो पुलिस की नौकरी छोड़ दे, जो सेना में है वो सेना की नौकरी छोड़ दे, जो लॉयर है जो कोर्ट में जाके काम करते हैं वो कोर्ट जाना बंद कर दे. महात्मा गांधी ने ये सब अपीलें करी. जो सरकारी टीचर है वो स्कूल जाना बंद कर दे, जो भी सरकारी आपको पद मिले हुए हैं वो सब सरकार को वापस कर दो. इससे क्या होगा, वो पावरलेस हो जाएंगे ब्रिटिशर्स और भारत छोड़ के चले जाएंगे. तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसी तरीके से जो मुस्लिम थे वो क्या चला रहे थे, खिलाफत एजिटेशन, वो भी यही चीज़ें चला रहे थे. ठीक है. तो एक ये हो गया आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. मार्च टू डांडी पता है, नमक यात्रा निकाली थी जब ब्रिटिश सरकार ने क्या करा था, नमक बनाने पे टैक्स लगा दिया था, लगाया था ना. तो महात्मा गांधी ने क्या करा था, दांडी तक की मार्च की यात्रा निकाली थी, पद यात्रा निकाली थी, जहाँ पे उन्होंने क्या करा था, नमक बनाया था, यानी कि उस कानून को, सॉल्ट एक्ट को तोड़ा था कि नहीं हम जो है नमक फ्री में बनाएंगे और हम किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हर चीज़ पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था उन्होंने. ठीक है. इसके विरोध में उन्होंने दांडी मार्च निकाला था. क्लियर. तो ये सारी जो है इम्पॉर्टेंट घटनाएं थी, इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी जिनके बाद जो है हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो तेज़ हो गया था. ठीक है. और धीरे धीरे उसके बाद 1947 में फाइनली जाके हमने अपनी कंट्री को फ्री करा लिया था. क्लियर. इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये चैप्टर है.